नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं उपन्यास निर्मला का नौवां भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो उससे हमें केवल दुखी नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी तो सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का सुअवसर जो मिल जाता है, जिसके लिए वे हमेशा बेचैन रहती है, मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया, जिसके ताक में वो बैठे रहते हैं। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यह थी कि ये सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी, ईश्वर ना करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो और अपने प्यारों बच्चों की गर्दन पर चूड़ी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाना हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल ये थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जिया राम और सिया राम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति से प्रकट आते, यहाँ तक कि एक दो से एक महिलाएं तो उसकी माता की शील और स्वभाव को याद करे आंसू भी बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी, अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जिया राम कहता, मिलता क्यों नहीं? तो महिला कहती, अच्छा मिलता है, अरे बेटा मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध तके शेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो कौन पूछता है, नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कह देता है, दूध की सूरत छुपी थोड़ा ना रहती है, वह सूरत ही नहीं है तुम लोगों की। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही आती, चुप रह जाता। इन शुभ आकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जिया राम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही ना रही तो खर्चा कैसे रहता, दोनों कहार अलगे कर दिए गए। जियाराम को ये कतार बेहद बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बना रहे होगा ना, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊं? अच्छा कोई स्कूल का लड़का देख ले तो। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लेने आया हूं, दूध लाना कोई चोरी थोड़ो ना है। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊं, आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सोचता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही, इतने नादान तो नहीं हो तुम। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हारी अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं, यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और लेने को तैयार ही कौन रहे करेगा, मैं दिल ही नहीं रहा, अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जी आराम, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने कहा, अरे अहमका, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जी आराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था ना। मुंशी जी अब जप ना कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो, अगर किस बात पर मुझसे टक्कर ले रहे हो, मेरी रोटियां तो नहीं चलाते, जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा, अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है, कुछ दिनों अदब और तमीज सीख लो, तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं, मेरी पैदा की हुई दौलत उसे चाहे खर्च करूं और चाहे संभाल के रखूं, मेरी कमाई हुई दौलत है, तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है, अगर फिर तुमने मुझसे बेइज्जती की ना तो नतीजा बुरा होगा, जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर नहीं जाऊंगा, जाओ अपना काम करो। ये कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से ना टला, निशंक भाव से बोला,
अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं हमें चाहे कितनी तकलीफ हो मुंह ना खोलें? अच्छा मुझसे तो ये नहीं होगा भाई। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला है ना उसकी मुझे भूख नहीं है। मुझे जहर खाकर प्राण लेने की हिम्मत नहीं है भाई। ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। जाइए जाइए मुंशी जी। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जी आराम। लड़के अपने बुजुर्ग की तो नकल करते हैं पिताजी। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उसी से पिता और पुत्र से किसी न किसी बात पर रोज ही झपट हो जाती। मुंशी जी ज्यों त्यों तरा देते थे। जियाराम और भी शेर होता रहता था। एक दिन जियाराम ने रुकमणी से यहां तक कह डाला, बाप है ये समझ कर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी है ना कि चाहूं तो बड़े बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया ही नहीं चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी नहीं लाते थे कि शैतान उसके साथ भी ऐसा बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखूं अब की कैसे घर में आती हैं। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़की को क्या करूं, सच कहा है आदमी आता है तो अपने लड़कों ही से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका थोड़ा अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा, तो वो बोला, साफ साफ कह दूं बुरा तो नहीं मानोगे? सिन्हा, नहीं जो कुछ तुम्हारे दिल में है साफ साफ कहो। जी आराम, तो सुनिए जब से भैया मरे हैं ना मुझे पिताजी की सूरत देखकर ही क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों को भी हत्या कर डालेंगे। अगर उनकी इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा, अच्छा तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई भाई, बिना ब्याह के भी तो वे हत्या कर सकते थे तुम्हारी। जी आराम, कभी नहीं, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था, हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह तक नहीं देखते। उनको यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई ना रहे। अब उस जैसे उसी के लड़के होंगे उनके रास्ते में हम लोगों को हटा देना पर चाहते हैं। यही उन दोनों आदमी की दिली मंशा है, हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं इस घर से। इसीलिए तो आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए इनकी बहार हो जाती है। डॉक्टर, अच्छा अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से ना निकाल देते? जी आराम, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूं। अच्छा सुनो क्या तैयारी कही है? जी आराम, जब मौका आएगा तब देख लीजिएगा। ये कहकर जी आराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर ना देखा। कई दिनों के बाद डॉक्टर साहब की जी आराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जी आराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जी आराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था, दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जी आराम को वहां भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोले, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मजा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ पर खाने की तरफ ताकने को भी नहीं जी चाहता। डॉक्टर, अच्छा मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इसे कई स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी, है ना? जी अरब, हाँ साहब उबाल कर रख देती हैं। ला लाली को उसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर, ये बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है, तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम, अच्छा मैं उन्हें दिक करता हूँ? अच्छा मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है लगता है। हाँ बेमजा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ ही कह दिया मेरे दोस्त घर आएंगे तो आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जनाब कोई हर वक्त किसी की धौंस सह सकता है? डॉक्टर,
मुझे तो भाई उन पर भी बड़ी दया आ जाती है। ये जमाना उनके हराम करने का है, एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शौक, साथ भी अच्छा नहीं है। ऐसा आदमी क्या कर सकता है, वो जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। पुट्ठों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है, यकीन मानो तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी होगा। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? भाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी इस यह उदंडता देखकर मन ही मन कैसे कूटते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो भी चुके हैं मेरे सामने। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसके वे स्वीकार भी करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसे मुंह से ना निकाला करो जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें ये ख्याल करने का मौका ही क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं है। मैं तो, मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जी आराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। आज भी मुझे डांटते हैं और कभी कभी मार भी लेते हैं, लेकिन सब सह लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले क्यों कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके श्रद्धाओं का संपूर्णता लोप ना हुआ था, अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानी उसे बहुत दिनों से ना आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ दूसरों के बहकाने में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा कर दीजिएगा, मैं सचमुच बड़ा भागा हूँ। उन्हें मैंने कुछ सताया ज्यादा है, उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दे, नहीं मैं मुंह में काली लगाकर कहीं निकल ना जाऊं, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले ना समाये, जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे, उसे देखते ही बोले, जानते हो कि बजे हैं, 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा से मिलने गया था, उनके साथ उनके घर तक चला गया था, उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई पिताजी। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए हो गए या कोई और काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया, बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। मुंशी जी, अच्छा जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जवान ही नहीं, मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वे गढ़ा करते होंगे। सियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई, आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? सियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया, सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर अर्जित हो सकता है, अपना सुधार करने के लिए गुरु पंत्र को कोई जरूरी चीज नहीं है। मुंशी जी, अब तो लुच्चे ना जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है? मुंशी जी, अरे तुम्हारे दोस्त सब लुफे लफंगे हैं ना, एक भी भुला आदमी नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि उन्हें यहां मत जमा किया करो, पर तुमने सुना ही नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूं कि आखिर तुमने उन शोधों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर अंशांश और गायब हो गया, फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं, जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो व्यर्थ में कुछ क्यों कष्ट उठाऊं। ये कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनिया के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, अब की सुधा के साथ निर्मला भी को आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेली कैसे रहे, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखत हो बहु मायके से कैसा निखर कर आई हैं। भोगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी, हाँ ठीक है भोगी, खिलाना तो बस माँ है जानत है आए। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को ना छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था, वह आशा की मूर्ति सी भी थी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं।
मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं, जाकर सियाराम से दो आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था, बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, अच्छा हम बूढ़े हो गए हैं, मिठाइयां मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए चार आना और आशा के बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, जाओ सिया जल्द आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है, आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते, तुम्हें शर्म नहीं आती, जाओ सियाराम ये पैसे ले जाओ। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने और किसका ना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया, बाप ज्यादा ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो बहुत मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा, बोला मैं ना जाऊंगा। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और एक रुपए की मिठाई लेकर लौटे। दो आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई, हलवाई उन्हें पहचानता जो था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा धोना देखा तो बाप का कहना ना मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने का आनंद उठाएगा, बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास में तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने दो तश्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने पिघल कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ता है बाबू का, मिठाई अच्छी नहीं लगते का तो है। जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है ना, हमारे लिए तो आई नहीं, ले जाओ इसे, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा, हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं, अरे यहाँ रुपए की मिठाई आ गई, लो जी। भूंगी, अब तुम ले लो सिया बाबू, ये ना लेंगे। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया, ताकि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़ के तेरा रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम ये घुड़की सुनकर सहम उठा, मिठाई नहीं खाने की हिम्मत ही ना पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने बड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझाते नहीं हैं, ये सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्सा हो गया है, इस ख्याल में कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शराब घड़ी भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी, अब पर अब ना डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे ना थे। मुंशी जी, हाजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की, ये कहते भी से संकोच नहीं आता है, आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया, लड़का नहीं है मेरा, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिप कर खड़ा था, स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वे आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा ना गया, बोला, शत्रु ना होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते, आप जो इस वक्त कर रहे हैं ना, वह मैं बहुत पहले से समझ बैठा हूँ, भैया ना समझे थे, धोखा दे गए, हमारे साथ आपकी दाल ना गलेगी, सारा समाना कह रहा है कि भाई साहब को चाय दे दिया गया है, मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है। निर्मला तो सन्नाटे में आ गई, मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा, जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा, यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया, ये काल का छोकरा किसी काम का ना काज का यो खड़ा टर्रा रहा है, जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता है। तोरियां चढ़ाकर बोली, बस बहुत हुआ जियाराम, मालूम हुआ तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ तब तक कर बोलते रहे, निर्मला की शहपाई तो दिल बढ़ गया, हाथ पीस कर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी, माथा चकरा गया। मुंशी जी ने सूखे हाथों में इतनी शक्ति है इसका वह अनुमान न कर सकती थी, सिर पकड़ कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकल के बोला, दूर से बातें कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेसी करवाते हैं, अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता। ये कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून से खड़े रहे, इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता, जिस पुत्र का वो कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ ना उठावे के चाहे। मुंशी जी ने ऊंट चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा,
भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुकमणी, नाक के कटे। मुंशी जी, एक चिंता नहीं हमका। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा, तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। रुकमणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करत है बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता है। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर नहीं हुई और ये हाल हो गया, ईश्वर ही खुशल करे। रात को भोजन करने कोई ना उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई थी, जीवन कैसे पार लगेगा, अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता ना थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। मैं सोच रही थी मेरी बच्ची के भाग में क्या लिखा है राम, चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी, कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी थी, चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकी ना झमकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। दो चार प्रश्न ही पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा, उसके पांव थर थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा, निर्मला सोई हुई थी। उसके सरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम ने दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई, चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है, मेरे कमरे में क्या करने आया था, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ। शायद दीदी जी के कमरे में आया हो, यहाँ उसका क्या काम, शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा, इसकी नीयत क्या है। उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे, मुंडेर ना होने के कारण निर्मला ऊपर ना सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। शक्की आदमी है, ना जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा, कौन जाने मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई, तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज वे क्यों आ रही है। निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे। जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं क्यों, भला मैं रात में क्यों क्या करना चाहता, वहां क्या हो गया था। निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला, मैंने उसका मुंह तो ना देखा, पर इसकी पूछ देकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था, कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था, वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा, थोड़ी देर हुई लौटा हूँ, मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लो। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो गई हो तो मेरा नाम लगे, चोर को कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी, बाबूजी को आप जानते हैं मुझसे मारने भी दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा क्या नाम क्यों लगेगा, अगर तुम्हें होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता, चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी, भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात ना हुई थी, फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी तो करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, मालकिन वहां तो कोई संदूक नहीं है, कहाँ रखा था। निर्मला ने चिरकर कहा, एक बात मैं तो तेरा काम होता नहीं, वहां छोड़कर और जाएगा कहाँ, अलमारी पे देखा था ना, जा देख के आ। भूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलू। निर्मला, जा देख, जल्दी जा। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई, अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहां बताओ वहां देख लूं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा, बक्स का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा गया कहां। सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसके आंखों के सामने चमक गई, कलेजा उछल पड़ा,
अब तक निश्चित होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं चला। जहां खोजना चाहिए था वहां भी खोजा, और जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता, पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारकर रोने लगी।